बाजार में गिरावट के बावजूद डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन दो स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी करवाई है, चलिए आपको बताते हैं। ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस की चिंता बाजार पर हावी होती हुई दिखाई दी। 250 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी 16,900 के नीचे फिसल गया। 20 मार्च को इंफोसिस, HDFC बैंक और TCS ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया। सोने में रिकॉर्ड तेजी नजर आई। MCX पर सोना 60,000 के पार निकल गया। सोने की बढ़ी हुई कीमतों से गोल्ड फाइनेंस कंपनी के शेयरों में रौनक नजर आई। मुथूट फाइनेंस वायदा का टॉप गेनर बना। ऐसे में चलिए बताते हैं कि डीलिंग रूम में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। एक्सिस बैंक, डीलर्स ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। डीलर्स ने इसमें BDST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह दी है। साथ ही इसके लिए 845 से 855 रुपए का लक्ष्य दिया है। डीलर्स का कहना है कि बैंकिंग शेयरों में बाउंस बैक का अनुमान है, लिहाजा डीलर्स ने खरीदारी की राय दी है। बायोकॉन, दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने बायोकॉन में खरीदारी की राय दी है। उनका कहना है कि घरेलू फंड्स ने इस स्टॉक में खरीदारी की है। इसमें पोजीशन लक्ष्य 215 से 225 रुपए के दिखाई दे सकते हैं। ये शेयर सपोर्ट के करीब कामकाज कर रहा है। CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी, डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है, आज निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजिशन बना सकते हैं या किसमें निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए, बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी से सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुँची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की 2री सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, TVS, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज़ करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।